तो यहाँ पर है पुराना अकाउंट है। अच्छा हाँ, चलो एक और पार्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अलायंस कैसे ज्वाइन करना है, अलायंस रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, वो भी इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको कई सारे अलायंस दिखेंगे, इनको सबको छोड़ देना है, इनको इग्नोर करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार दिखेगा, यहाँ पर आपको जाना है और अपना अलायंस का जो भी आपको नाम, जिस अलायंस में आपको जाना है उसका यहाँ पर नाम टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं अपना अलायंस का नाम टाइप करूँगा, इंडियन स्पाइडर। ये आ गया। अब यहाँ पर इन्फो देखता हूँ, तो यहाँ पर शील्ड लेवल 60+ है, तो 60 के ऊपर वाले प्लेयर्स ही यहाँ पर आ सकते हैं, बाकी के यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर यह है, और यहाँ पर एक प्लेस अभी भी खाली है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करके देखता हूँ, लेकिन अप्लाई होगा नहीं क्योंकि वहाँ पर वो सेटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग अलायंस ढूंढ के अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको शील्ड लेवल देखना पड़ेगा कि आपका कितना है, तो उसी के बेस पे आप उस अलायंस में जा पाओगे। और एक और चीज़, यहाँ पर अलायंस का जो मेंबर्स है, जो खाली सीट है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग अलायंस रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक अलायंस आप क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन आपको गोल्ड लगेगा कुछ इतना, तब जाके आप न्यू अलायंस क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने कर दिया कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट। तो अभी कौन से कैरेक्टर चूज़ करें,